अमेरिका में भीषण सर्दी की तूफान की चपेट में आकर कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई है। कई जगहों पर बर्फबारी में लोगों के फंसे होने से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पश्चिमी न्यूयॉर्क में बफेलो में बर्फीले तूफान की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फ के ढेर के कारण हजारों घरों और व्यवसायों में बिजली ठप हो गई है। तूफान का दायरा कनाडा के पास ग्रेट लेक्स से मैक्सिको की सीमा के साथ रियो ग्रांडे तक फैल रहा। बताया जा रहा है कि लगभग 60% अमेरिकी आबादी को सर्दियों के मौसम की सलाह या चेतावनी का सामना करना पड़ा। रॉकी पर्वत के पूर्व से एप्लाचियन की तक तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे गिर गया है। बर्फीला तूफान तेज हवाओं के कारण पहले ही सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ट्रैकिंग साइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक रविवार को करीब 1,760 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गईं। तूफान ने बफेलो पर भी अपना पूरा कहर बरपाया।